सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर पर। अब दोस्तों, जितने भी सलमान खान के फैंस हैं, जितने भी वायर एफ स्पाई यूनिवर्स के फैंस हैं, जितने भी टाइगर श्रॉफ मूवी के फैंस हैं, वो सभी लोग वायर एप्स और मेकर्स से बहुत ही ज़्यादा नाराज हैं। क्योंकि दोस्तों, कल 15 अगस्त के दिन था, सभी को उम्मीदें थी कि हमें टाइगर श्रॉफ मूवी से कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने फाइटर मूवी का जरूर ग्लिम्स डाला, लेकिन लोगों को एक्साइटमेंट टाइगर श्रॉफ मूवी के लिए थे। कल दोस्तों बता दें, पूरा दिन ट्विटर पर वी वॉन्ट टाइगर श्रॉफ ग्लिम्स ये ट्रेंडिंग पर चलता रहा, पहले नंबर तक ट्रेंडिंग में आ गया। लेकिन तब भी दोस्तों, मेकर्स की स्ट्रेटजी का किसी को भी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर वो टाइगर श्रॉफ से रिलेटेड करना क्या चाहते हैं, आखिर उनके मन में चल क्या रहा है। क्योंकि उन्होंने इतने बड़े इंडिपेंडेंस डे के दिन, जो कि दोस्तों सोर्सेस से खबर आ रही थी कि 15 अगस्त के दिन हमें टाइगर श्रॉफ मूवी से निकलकर फर्स्ट मोशन ग्लिम्स देखने को मिलेगा, जिसमें हमें सलमान खान की लुक को भी रिवील कराया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कम से कम आप छोटा सा एक पोस्टर ही दे देते, या कोई छोटी सी अपडेट ही दे देते, या अनाउंसमेंट ही कर देते कि हम टाइगर श्रॉफ मूवी का जो पोस्टर है या जो ग्लिम्स है वो इस डेट को लाने वाले हैं, उससे ही फैंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाते। क्योंकि इस समय जो स्पाई यूनिवर्स के फैन है, सलमान खान के फैन है, टाइगर श्रॉफ मूवी के फैन है, वो एक टाइगर श्रॉफ मूवी के छोटे से छोटे कंटेंट का वेट कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि अब इस मूवी में और देरी होनी चाहिए, क्योंकि 10 नवंबर को ये मूवी आनी है। ऐसे में 3 महीने का बस समय बचता है और लोगों में एक्साइटमेंट भर भर के भरी हुई है। लेकिन मेकर्स का प्लान किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मेकर्स टाइगर श्रॉफ मूवी से रिलेटेड करना क्या चाहते हैं। अब दोस्तों, अगर आपको कुछ भी डिटेल पता है टाइगर श्रॉफ मूवी से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही मूवीज से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर को।